कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के पहले 5 हफ्तों में कथित तौर पर 12 लोग पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए और अपनी जान गंवा बैठे। यह दावा एक गैर सरकारी संगठन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट में किया गया है। CHRI द्वारा की गई स्टडी में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर 25 मार्च से 30 अप्रैल तक ऐसी मौतों को ट्रैक किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सार्वजनिक तौर पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता को ना सह पाने और अपमानित महसूस करने की वजह से 12 लोगों ने आत्महत्या कर ली। स्टडी के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से 3 मौतें हुई, मध्य प्रदेश में 2 मौतें हुई, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1-1 मौत हुई। मरने वाले 12 लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के लवकुश मोहम्मद रिजवान, रोशन लाल, मध्य प्रदेश से बंसी कुशवाहा और मुमेदा, आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद गुहाउस वीरभद्रैया और पेदाता श्रीनिवास राव, महाराष्ट्र से सगीर जमील खान, तमिलनाडु के एक अब्दुल रहीम, पश्चिम बंगाल से लाल स्वामी और पंजाब से भूपेंद्र सिंह के तौर पर की गई। CHRI की स्टडी में आगे कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह, पेदाता श्रीनिवास राव और रोशन लाल से सार्वजनिक रूप से मारे जाने और अपमान महसूस करने के बाद आत्महत्या की। CHRI के प्रोग्राम हेड देविका प्रसाद ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के बाद लोगों की मौत हुई है। इन मौतों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रसाद ने कहा कि CHRI का मानना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन गंभीर आरोपों की निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए प्रभावी तरीके से जाँच करेगा। उन्होंने कहा, यह एक और संकेत है कि अदालत और अन्य एजेंसियों को लॉकडाउन लागू करने में पुलिस को जवाबदेह रखने की आवश्यकता है। रिपोर्ट किए गए 12 मामलों में से 2 में शामिल पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था और मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश दिया गया था। ये 2 मामले बांसी कुशवाहा और शेख मोहम्मद गौशाला के हैं। स्टडी के अनुसार संबंधित अधिकारियों ने लाल स्वामी, मोहम्मद रिजवान, सगीर जमील खान और टीबू मेदा की मौतों के मामले में किसी भी पुलिस की पिटाई से इनकार किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से आए लाल स्वामी की मृत्यु के बारे में पुलिस ने दावा किया कि हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो पहले से ही हृदय रोगों से पीड़ित थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हावड़ा के पुलिस आयुक्त कुणाल अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि यह प्रेस द्वारा गलत रिपोर्टिंग का मामला है। CHRI की रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दावों का भी खंडन किया कि मोहम्मद रिजवान की मौत लॉकडाउन लागू करने के लिए पुलिस की कार्रवाई के कारण हुई थी। अम्बेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कहा था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, उस परिप्रेक्ष्य में सबूतों के आधार पर ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि रिजवान पर डंडों से हमला किया गया था। मध्य प्रदेश के मूल निवासी टीबू मेदा की मृत्यु पर जिला कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि जब उन्होंने पुलिस वाहन को सायरन के साथ आते हुए देखा तो उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण चली गई। CHRI ने बताया कि इस तरह के दावे के बावजूद मेधा के परिवार को राज्य के अधिकारियों द्वारा 20,000 रुपए का मुआवजा दिया गया था। जिब्रान जरार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।